ये प्रधानमंत्रीको शहर जे देशको देछि सात प्रधानमंत्री एठारे राजनीतिक इतिहास बेस समृद्ध प्रयागराज एमिति एक शहर जहाँ रही गौरवमय इतिहास विकासशील वर्तमान एवं अनेक आशा सह भविष्य धर्म एवं मूल्यबोध साहित्य किंबा राजनीति क्षेत्र में यह शहर एक प्रमुख भूमिका ग्रहण करी प्रयागराज शहर को प्रधानमंत्री शहर कौतूहल विषय हो 1947 देश स्वाधीन होगा पर आज पर्यंत होता प्रधानमंत्री सात जन प्रयागराज सहित प्रत्यक्ष किंबा परोक्ष संजोग रही गुलजारीलाल नंदा चंद्रशेखर भिपी सिंह एठार आरंभ करते राजनीति आठने नेहरू जन्म निर्वाचन समय प्रधानमंत्री शहर भाव परिचित प्रयागराज को नहीं खास चर्चा हुए चलित लोकसभा निर्वाचन में पुणी थे नगरी चर्चा को आसी उत्तर प्रदेश संगम नगरी कहतु अबा समग्र पूर्वांचल अक्सफोर्ड भाव परिचित आल्लाबाद आज प्रयागराज राजनीतिक इतिहास अत्यंत समृद्ध देश को सात प्रधानमंत्री देखी नगरी देशर प्रधानमंत्री शहर भाव यह परिचित यह पछर कहानी भी बेस रोचक जिले मोट दुईट लोकसभा आसन रही गोटे प्रयागराज अंटी फुलपुर दुईट जाक आसन लोकसभा निर्वाचन जीति मोट तीन नेता देशर प्रधानमंत्री पद अलंकृत करते सर्वप्रथमे पंडित जवाहरलाल नेहरू ना आसे देशर द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री से 1957 और 1962 रे आल्लाबाद्रु लोकसभा निर्वाचन लड़ी दुईथर सांसद भी होती तृतीय विश्वनाथ प्रताप सिंह गंगा जमुना सरस्वती संगम पर प्रसिद्ध प्रयागराज देशर प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जन्मस्थान राजीव गांधी एठारे बढ़ी जदिओ जन्म मुंबई होता जिकि देशर प्रधानमंत्री होते देशर अष्टम प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जन्म होता आल्लाहाबाद से आल्लाहाबाद विश्वविद्यालय छात्र संघर उपाध्यक्ष थे चंद्रशेखर और गुलजारीलाल नंदा अध्ययन करते दुहे देशर प्रधानमंत्री पद मंडन करते चंद्रशेखर राजनीतिर प्रथम पाठ यही शहर में पढ़ी गुलजारी दुई थर देशर कार्यवाहक प्रधानमंत्री पद संभाली प्रयागराज लोकसभा आसन बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन प्रथम थर निर्वाचन लड़ी सांसद होते समाजवादी नेता जनेश्वर मिश्र और बीजेपी वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी एठारु सांसद थे आल्लाहाबाद लोकसभा आसन में बीजेपी लगातार जीति वर्तमान एठारे सांसद अछंती रीता बहुगुणा जोशी खास कथा हूँ 2014 मसीहा निर्वाचन में समाजवादी पार्टी पूर्व सांसद श्यामाचरण गुप्ता बीजेपी में सामिल हो निर्वाचन लड़ी से समाजवादी पार्टी कुंवर रेवती रमन सिंह को हर 2019 निर्वाचन में कांग्रेस नेता रीता बहुगुणा जोशी बीजेपी में सामिल हो बीजेपी टिकेट एठारु जीति लोकसभा सांसद हेले एथर आईएनडी गठबंधन उज्जवल रमन सिंह मैदान को से सपा छाड़ी कांग्रेस रे मिशि एवं कांग्रेस टिकेट रे निर्वाचन लड़ुंट प्रयागराज आल्लाहाबाद संसदीय आसन रे बीजेपी पूर्वतन राज्यपाल केशरीनाथ त्रिपाठी पु नीरज त्रिपाठी को टिकेट देछि ब्यूरो रिपोर्ट प्रमय न्यूज 7 डिजिटल।